आपका घर भी कहाँ है? हाँ कहाँ रहते हैं? इस वक्त हम मौजूद है सीतामढ़ी जिला के मेजरगंज प्रखंड के रसुलपुर गांव में। और आपको बता दें कि ये जो आप जगह देख रहे हैं जिस पर हम खड़े हैं, यहाँ पर कभी घर हुआ करता था। और इसी स्थान पर जब पिछले लगभग 24 से 25 घर रहा था तो आए थे खबर बनाने, तो यहाँ पर पानी पिए थे और यहाँ चापाकल भी था, लेकिन वो सारा कहाँ चला गया उसका कोई पता नहीं है। इस साल भी 11 घर जो बागमती में विलीन हो गया है और यहाँ के लोग एकदम घर से बेघर हो गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मदन ठाकुर। एक घर आप ही का था? हाँ, घर हमारा था। कभी घर पानी में विलीन हुआ? पिछले साल भी 24-25 घर दहा था? 24 घर यही दहा था, बगल में सब दहा था। 24 घर ऐसा 11 परिवार हम लोग चला गया घड़ारी नदी में। देखवैया नहीं, पुछवैया गाँव में ना, गाँव के नेता पैदा किए यहाँ पहुँचा, कोई नहीं पहुंचा। डीएम साहब पहुंचे, सीओ साहब पहला दिन आए थे, उसके बाद वो भी विसर गए ऋषि पुराना जन। पानी तो कहीं दोहा के दो इंच बाकी रह गया, बाकी है कोई नहीं आता है ना। एक बार पानी बीमार घिसरा गया। आप बताए नहीं कि क्या आप हमको पानी दे रहे तो बागमती में पानी बिछाएंगे? नाव आ रहा है, नाव आ रहा है, नाव के बोते नहीं दसने लगते हैं तो नाव आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। नाव नहीं आया, नाव भी नहीं आया। दोनों भाई हैं तो हमारा 5 बेटा के 4 बेटा सबका घर विलीन हो गया। तो सबका घर बागमती में चला गया। बागमती पक्का का मकान क्या लगातार बागमती में घर जा रहा है? लगातार सब चला कटा कटा। यहाँ कोई आदमी आने के लिए तैयार नहीं है, न मुखिया न सरपंच न पदाधिकारी। यहाँ पदाधिकारी आते हैं तो मतलब कि गाँव में से लौट के चला जाते हैं। यहाँ कार कहानी पर आ ना रहा है, यहाँ कोई मतलब कुछ भैया नहीं है। यहाँ के पब्लिक बाप बाप जा रहा है, मत घूम सुन। आपका मुखिया तो जदयू का नेता है और जदयू का सरकार है, फिर भी आप लोगों का घर का मतलब बिना कोई मुखिया से कोई सरपंच नहीं आकर वार्ड से यहाँ आ रहा है कि कोना गति है जो पब्लिक हमारा कुछ नहीं, खाली वोट लेने के लिए गोल लगता है। और जब वोट चला जाता है कोई कुछ भैया नहीं रहता है। इसके लिए सरकार कुछ कह नहीं सकता है कि तुम इस तरह का किया है। आप लोगों का घर जो बह गया है पानी में बागमती में, हा? तो आप लोग कहाँ अभी पर है? अभी तो मतलब पास जान के है, मतलब की यहाँ से कुटमैता चला गया है। हम कुटमैता चला गया है, कब तक रहिएगा कुटमैता? कुटमैता मतलब की जब तक यहाँ जथा जमीन है कोई मतलब हार नहीं है, किसी तरह जमीन किसी से लेंगे हुंडा बटैया तो वही ना आके बसेंगे। यहाँ अपना तो जमीन है नहीं, सब कटाव में चला गया। कटाव में सब चल गया है। कितना जमीन कटाव में गया है? कि हमारे 2 बीघा जमीन गया है, घरारी सहित मतलब अढ़ाई बीघा चला गया है। अढ़ाई सौ बीघा कट गया है, मतलब 250 बीघा से 250 बीघा ज्यादा कट गया है, कटाव में चला गया है। कि पूरे शुरू पंचायत के गाँव सब लगता है ना, खार इसी गाँव का है सब उखाड़ दिखाई दे रहा है। सब सर आप देख लीजिए कि आई बागमती का धार है, आई धार के बाद जो मिट्टी बीच में दिख रहा है, उसके बाद वो जंगल जो दिख रहा है वो भी इसी रसुलपुरे का हिस्सा है। और वहाँ कभी घर हुआ करता था जब ये यहाँ लगभग 2017 से बागमती नदी इस गांव का कटाव कर रहा है। 2017 से पूर्व में आ रहा है। आपका घर भी दहा है? हाँ। कहाँ रहते हैं अभी? कोई सुनवाई नहीं है कोई चीज का, कोई खाना दाना नहीं मिल रहा है सर। हम यहाँ खाते हैं, ये अपना घर खाते हैं, कोई किसी से किसी किसी कहीं से आ रहा है, बना बना के लोग दे रहा है जी, दे रहा है। मुखिया जी नहीं आए हैं? नहीं, कोई मुखिया वीडियो स्टूडियो कोई नहीं आता है। 2 बीघा ले हमारा अपना कुछ था तो सब चला गया है, घर द्वार सब गिर गया है, कोई देखने आता नहीं है, कोई देखने नहीं आता है, न सीओ न वीडियो न मुखिया, कोई देखने के लिए नहीं आता है। तो फिर आप लोग रह कैसे रहे? बलिदान के कहीं रह रहे हैं, क्या करें? फिर आप लोग का तो अनाज भी बह गया होगा? हाँ, सब कुछ बह गया है। कैसे खाते हैं? तो क्या करें, किसी से लेके दे के। रसुलपुर गांव में जो है पिछले जो है 3 साल से जो है कटाव होते आ रहा है, और यहाँ जो है कितना घर इसमें बह गया कोई जो है इसको कोई कह रहा है कि 2017 से कटाव है, आप कह रहे हैं 3 साल से कटाव है। 3 साल से गाँव ढह रहा है अभी जो है। जमीन जो है 3 किलोमीटर ब्रह्मपुरी से नदी चल के हमारे गाँव में आई, तो भारत हमारे इंडिया का जमीन लगभग 200 एकड़ जमीन कट चुका है। गांव ढहने की बात है तो पर साल जो है 2021 में 24 घर नदी में समा गया है, और इस साल अभी जहां हम खड़े हैं वो हमारा घर है, इसमें हम 11 आदमी का परिवार दह गया अभी।
आदमी नहीं था, आदमी का तो जानवर घर जमीन सब देख रहे सामने, जो फोटो आपको दिखे रहे। यहाँ के मुखिया जी यहाँ रहते हैं या नहीं रहते हैं? रहते हैं, आए हैं कभी एक दो बार, हाल समाचार पूछे और गए बस। हाँ तो और कुछ नहीं, क्या कोई राहत? कोई राहत नहीं, पन्नी एक मिला है सीओ साहब के माध्यम से, एक बार आए पन्नी, मतलब एक पन्नी सीओ साहब दिए, उसके अलावा कुछ नहीं? और कुछ नहीं। अच्छा, पिछले साल तो मुखिया जी स्कूल में आप लोगों को खाना खिला रहे थे ना? हम लोग नहीं, जो लोग था उनको खाना मिला था, तो मुखिया जी की तरफ से नहीं मिला? मुखिया जी की तरफ से मिला या सरकार के पता नहीं, खाना बन रहा था वहाँ खिलाया गया, लेकिन इस बार कोई जाया था? इस बार कुछ यहाँ पर पिछले साल जब यहाँ 24 से 25 घर जो बागमती में दहा था, उस समय मुखिया जी हो या जिसके भी माध्यम से हो, यहाँ पर खाना बनाया जा रहा था, स्कूल में लोगों को रखा जा रहा था।